हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th के इतिहास के तीसरा चैप्टर, जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और 20 क्वेश्चन नहीं है भाई, 40 क्वेश्चन में लाया है, जितना आटा है लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद अगले बोर्ड पे हम लिखेंगे, तो 40 क्वेश्चन है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से अभी क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा, कि हमारे टॉपिक पर टॉपिक वाइज करा देते हैं, तो इससे बाहर क्या क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। अगर आप लोग इससे पहला चैप्टर इसका इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, तो वहां पे आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव की दुनिया, ठीक है। गणित का ऑब्जेक्टिव, इतिहास का ऑब्जेक्टिव, भूगोल का ऑब्जेक्टिव, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, हिंदी का ऑब्जेक्टिव, भौतिकी का ऑब्जेक्टिव और रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। और चैप्टर वाइज एक एक तरह से 50 से 60 क्वेश्चन लिए हैं, 40 से 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहले बातें ज्यादा नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए और कॉपी कलम लेके बैठिए, नहीं तो हम जब बोलेंगे तो आप लोग दिमाग में सोच लीजिएगा इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और जब हम टिक करेंगे तो बताइएगा आप लोग कि मेरा सही था, ठीक है, और कितना सही था काउंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट किया जाए, तो देखिए एकदम ध्यान से, एकदम मजा आने वाला है। चलिए आइए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? सभी को मालूम होगा, सभी को अगर ये चैप्टर तीसरा चैप्टर पढ़े हैं तो एकदम सबको मालूम होगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप लोग सोच लिए, लगा लिए टिक, चलिए अभी भी अब मौका है, स्क्रीन शॉट लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए और टिक लगा लीजिए, और नहीं तो साथ साथ सोच सोच के चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग क्या लगाए हैं, कंबोडिया लगाए हैं, कि लाओस लगाया है, कि वियतनाम, की थाईलैंड, तो बताइए क्या लगाया है, कंबोडिया। तो एकदम सही है, जिस भाई ने कंबोडिया लगाया है उसको ओपी, उसका एकदम आंसर सही है। तो इसका आंसर होगा ए, कंबोडिया। टिक नहीं लगाने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। जिस तरह हम लोग इसका जो पिछला लेक्चर था, पिछला वीडियो था भूगोल के दूसरा चैप्टर का ना, टिक नहीं किए थे, इसमें भी टिक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग नोट कर सके। चलिए आइए अगला, क्या, हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन जो है किसके अधीन था? तो आइए, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत, तो किसके अधीन था बताएंगे आप लोग? भारत के, नहीं गलत है, भारत के अधीन नहीं था। किसके अधीन? अमेरिका, नहीं ये भी गलत है, अमेरिका के अधीन भी नहीं था। किसके अधीन था? फ्रांस। तो आप लोग लगाए हैं फ्रांस, सोच लिए मन में, फ्रांस सोचे थे, तो एकदम सही है, फ्रांस सोचे हैं, तो इसका आंसर होगा सी, फ्रांस। आइए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं? चलिए आइए, चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, चीन। तो आप लोग क्या लगाए हैं, ए, बी, सी, सोच लीजिए मन में, सोच लिए मन में, सोच लिए, आंसर बोला जाए, क्या लगाया पहला, हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, नहीं गलत है, चीन, वियतनाम, लाओस, एकदम गलत है। आप लोग क्या लगाए हैं, बी, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, एकदम सही है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, एकदम सही है। चलिए ये आपका आंसर भी होगा। आइए, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आइए ऑप्शन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, भारतवासी, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नोट अगर बना रहे हो आप लोग तो इनमें से कोई नहीं लिखिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नोटी के जगह इनमें से कोई नहीं, चलिए आंसर से क्या लगा आप लोग, फ्रांसीसी, मन में सोच रही है, फ्रांसीसी नहीं गलत है, फ्रांसीसी नहीं होगा, पुर्तगाली, एकदम राइट आंसर है, पुर्तगाली लगाया है, पुर्तगाली उनका एकदम सही है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, नरोत्तम सिंहानु कहां के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु कहां के शासक थे? चलिए आइए, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, क्या लगाया आप लोग मन में सोच लिए, पांच का आंसर मन में सोच लिए, चलिए टिक कर लिए, कॉपी पे टिक किए भाई, तो चलिए टिक कर लिए, कॉपी नहीं लेके बैठे हो तो मन में सोच के सोच लीजिए भाई आंसर यही होने वाला है इसका, ठीक है। फिर दिमाग हम बोलेंगे कि ये आंसर है तो वो खुशी जो मिलेगी क्या समझिए। आइए, तो वियतनाम लगाए हैं आप लोग, नहीं गलत है, थाईलैंड लगाए हैं, नहीं वो भी गलत है, क्या लगाया है, कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहानु जो थे कंबोडिया के शासक थे, कहाँ के, कंबोडिया, जिस भाई ने कंबोडिया लगाया एकदम उनका सही आंसर है, परफेक्ट। आइए आगे आइए, हिंद चीन में सबसे, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे?
हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो आप लोग बताएंगे क्या कहे जाते थे, क्या कहे फ्रांसीसी कहे जाते थे, कोलोन कहे जाते थे, जनरल कहे जाते थे, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या लगा रहे हैं, फ्रांसीसी, मन में सोच रही है ना, लगा लिए टिक, चलिए फ्रांसीसी नहीं गलत है, कोलोन एकदम सही, जिस भाई ने लगाया कोलोन एकदम सही आंसर। आगे आइए, अगला देखिए कोलोन है, कोलोन कोलोन, चलिए आगे आइए। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया, आइए आइए, सूर्य वर्मा द्वितीय, नरोत्तम सिंह या कुआंग, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग क्या लगाए हैं, आप लोग क्या लगाए हैं, आप लोग क्या लगाए हैं, सूर्य वर्मा द्वितीय एकदम सही है, सूर्य वर्मा द्वितीय तो एकदम सही है। आइए आगे, आंसर होगा इसका ए, आंसर होगा इसका ए, चलिए आगे देखिए। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन क्रांतिकारी धार्मिक, क्रांतिकारी धार्मिक, या इनमें से कोई नहीं। क्या लगा है आप लोग, क्रांतिकारी एकदम गलत लगा हो भाई साहब, क्रांतिकारी अगर लगाए हो तो क्या लगा है, धार्मिक, ये भी गलत है। क्या लगा है, धार्मिक, ये भी गलत है। क्या लगा है, क्रांतिकारी धार्मिक, एकदम सही आंसर। जिस भाई ने ये लगाया सी, उसका एकदम सही आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे आइए, अभी तो हम चैप्टर वाइज लेके आ रहे हैं, हम सामाजिक नवंबर को, एक नवंबर से ये स्टार्ट है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान हो, विज्ञान हो, या गणित हो, या संस्कृत हो, या हिंदी हो, इंग्लिश छोड़ करके हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान, सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएंगे, बोर्ड पैटर्न का, और पूरा किताब से रहेगा, पूरा चल जिस तरह बोर्ड में पूछा जाता है। और तब आप लोग 50 में 50 का आंसर, 50 में 40 का आंसर बता के बताइएगा, जो 50 में 40 अगर यहाँ आ गया तो आप लोग समझिए कि वहाँ 50 में 50 मार के आओगे, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न चेंज हो चुका है। इस बार 50 में 100, 100 में 50 देना था, 100 में 50 देना था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे आगे ये क्या लगा है, क्रांतिकारी धार्मिक। आइए, जेनेवा समझौता कब हुआ था, ये तो सबको मालूम होगा, जेनेवा समझौता कब हुआ था, जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो आइए ऑप्शन 1946, 1919, 1954, 1918, कब हुआ था, 1946 में, एकदम गलत है भाई, 1946 में नहीं हुआ था, कब 1919 में, ये नहीं 1919 में नहीं हुआ था, 1919 में भी नहीं हुआ था, कब हुआ था, 1954 में, जिस भाई ने लगाया 1954 को ओपी, 1954 में हुआ था जेनेवा समझौता, 1954 सी आंसर सी। आगे आइए, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, देखिए यहीं पे याद हो जाएगा आप लोगों को, अगर दोबारा रिपीट हम कर रहे हैं क्वेश्चन का, बार बार बोल रहे हैं, गलती भी बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, क्या रिपीट हो रहा है। चलिए, तो 1960 में हुआ था, 1965 में, 1970 में, 1975 में, कब हुआ था, आप लोग बताएंगे, क्या लगा है 1960, एकदम गलत लगा है, 1960 लगा है, तो क्या लगा है 1965, वो भी गलत है, 1965 भी गलत है, क्या लगा है 1970, वो भी गलत है, 1970 भी नहीं होगा, 1975 होगा, 1975 जिसने लगाया उनको एकदम ओपी, ठीक है। चलिए आगे आइए, अगला क्या, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, या किसने लिखा, यहां थोड़ा ये कर लीजिएगा, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है या किसने लिखा, आइए, हो ची मिन्ह ने लिखा, फान बोई चाओ ने लिखा, कुआंग ने लिखा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगा है आप लोग, हो ची मिन्ह एकदम गलत लगाए हैं भाई, हो ची मिन्ह नहीं होगा, क्या लगा है, क्या सोचे मन में, क्या सोचे हैं, फान बोई चाओ एकदम सही है, फान बोई चाओ एकदम सही है। चलिए आगे आइए, आगे आइए, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता का क्या नाम है, या होने वाला समझौता जो है किस नाम से जाना जाता है ना, देखिए मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता का नाम क्या है, होने वाला समझौता जो है किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग आंसर बताएंगे, आइए, जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, या इनमें से कोई नहीं। क्या लगाए आप लोग, जेनेवा समझौता, नहीं भाई एकदम गलत है, सोच लिए हुए हैं, मन में सोच लिए हुए हैं ना भाई, क्या आंसर है, तो हनोई समझौता, क्या आप लगाए हैं, हनोई समझौता एकदम सही है, इसका आंसर फान बोई चाओ एकदम सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था, हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था, यानी कौन देश नहीं सम्मान मतलब उसे मिला हुआ था। आइए देखते हैं, वियतनाम, वियतनाम तो था भाई हिंद चीन में, देखिए तो हिंद चीन में कौन देश आते थे, तो वियतनाम आते थे, लाओस, लाओस भी आते थे, कंबोडिया, कंबोडिया भी आते थे, आइए चीन नहीं आते थे, हिंद चीन में चीन
नहीं आते थे, नाम तो हिंद चिन्ह है लेकिन इसमें चिन्ह नहीं आते थे। आगे आइए, तो ये आंसर होगा इसका डी। डी आंसर लगाए हैं आप लोग, पक्का लगाए हैं, डी लगाए हैं ईमानदारी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? आप लोग सोच लिए मन में, आइए 1880 में, 1882 में, 1887 में, 1890 में, सोच लिए आप लोग आंसर, पक्का सोच लिए क्या आंसर है? क्या 1880 है? गलत है 1880। 1882 है, ये भी गलत है। 1887 है, एकदम राइट आंसर है 1887, एकदम राइट आंसर है, 1887 में हुआ था, ठीक है। चलिए, स्थापना हुआ था। इंडो चाइना किस देश के उपनिवेश है, यानी उपनिवेश किस देश का उपनिवेश है ना, बताइए किस देश का है? अमेरिका का है, फ्रांस का है, जापान का है, भारत का है? सोच लिए क्या आंसर है, क्या लगा है? भारत नहीं, गलत है, भारत गलत है, जापान लगाया है, एकदम गलत है भाई, जापान भी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होना चाहिए? फ्रांस है। क्या आंसर इसका? फ्रांस। जिस भाई ने लगाया फ्रांस, एकदम उनका एकदम सही है। चलिए आ गई, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? और सुनिए, हमने पिछले लेक्चर में, पिछला जो चैप्टर था समाजवाद एवं साम्यवाद, उसमें हमने दो क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का जो जवाब दिया है जो बच्चा सब, उसका नाम अभी नहीं लेंगे, तो विषय है इसके बाद वाला जो बोर्ड पर लिखेंगे उसमें नाम लेंगे, लिख के बताएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ही पूछेंगे आप लोगों से, दो क्वेश्चन इस लेक्चर में रहेगा, दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा, अगले वीडियो में आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो चल जाइए, आइए देखिए, देखिए कहाँ थे हम लोग, हाँ फ्रांस हो गया। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1910, 1913, 1919, आप लोग सोच लिए, सोच लिए आंसर क्या होगा, सोच लिए। चलिए आइए, तो 1907 एकदम सही आंसर, 1907, जिस भाई ने सोचा 1907 या जिसने टिक किया 1907, एकदम उनका सही है। चलिए आगे, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताएंगे आप लोग? आइए, मसीहा, क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक, या इनमें से कोई नहीं? आइए आप लोग क्या लगाए, सोच लिए, टिक कर लिए, सोच लिए, टिक कर लिए। चलिए, मसीहा नहीं, मसीहा नहीं होगा। क्या? क्रांतिकारी, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? मार्ग प्रदर्शक या पथ प्रदर्शक, या मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, पथ दिखाने वाला, पथ मतलब का रास्ता, प्रदर्शक मतलब दिखाने वाला, ठीक है। तो ये हुआ पथ प्रदर्शक, आगे आंसर ये आपका ये हो गया, ठीक है, हो गया, लगा है ना, सही हो रहा है ना, पक्का ईमानदारी से जोड़ के बताइएगा कि सर 40 में 40 आया, 40 में 39, 38, 37 कितना नंबर आया। चलिए आगे, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? आइए देखते हैं, न्यूमेन आई कवोक ने कवोक, या फान वो चाओ, या फाम चू मिन, मिंट मिंट फाम चू मिंट, या इनमें से कोई नहीं? क्या लगा आप लोग, सोच लिए मन में, सोच लिए क्या आंसर होगा, सोच लिए, सोच लिए हम बोले आंसर। चलिए, न्यूमेन आई कवोक, न्यूमेन आई कवोक, ठीक है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था न्यूमेन आई कवोक। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया लेकिन फिर भी बता रहा है आप लोगों को, कहीं आ जाए भाई पगला गया बोर्ड, अब कह रहा है कि दुगुना 40 क्वेश्चन रहता है ना समाज विज्ञान में, 80 क्वेश्चन दे रहा है, कहीं उसमें से टपका दे, ठीक है। तो कोई गेसिंग उसी नहीं, पूरा कहानी पढ़ जाइए, ठीक है, पूरा कहानी का निचोड़ है इसमें भाई, पूरा कहानी का निचोड़ है, कहीं से बाहर से नहीं आ सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? 1864 में, 1866 में, 1868, 1870, किसमें हुआ? आप लोग सोच लिए, टिक कर लिए, सोच लिए, टिक कर लिए, हम बताएं सर क्या 1864 लगाए हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 1866 लगाए हैं, एकदम गलत है, 1868 लगाए हैं उनका, एकदम सही है, 1868 लगाए हैं तो एकदम सही है भाई साहब आपका, ठीक है। आगे आइए, जापान ने हिंद चिन्ह पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चिन्ह पर कब अधिकार जमा लिया? चलिए आगे आइए, 1930, 1940, 1950, 1960, तो इसका आंसर आप लोगों को खुद देना है, ये रहा आपको होमवर्क में, अभी मत जाइए, रुके 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 रुके, फिर सुनिए, जापान ने हिंद चिन्ह पर कब अधिकार जमा लिया? 1930 में, 1940 में, 1950, 1960 में, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिए, लिख लिए, चलिए रुकिए, अभी अभी रुकिए रुकिए रुकिए, सब्र कीजिए, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की तरफ। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर
35 तक लिख दिया है, आप लोग क्या करना है पर स्क्रीनशॉट लिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लिए आप क्या करना है वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए कॉपी में, और नहीं तो मेरे साथ साथ चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो देखिए ध्यान से आइए क्या क्वेश्चन, लियांग किचाओ कौन था, लियांग किचाओ कौन था, लियांग किचाओ कौन था, आइए चीनी सुधारक, मार्ग सुधारक, जनता सुधारक या इनमें से कोई नहीं, आप लोग सोच लिए, ठीक लगा लिए पक्का, चलिए बोले चलिए। तो चीनी सुधारक जिसका आंसर है उनका एकदम सही है, चीनी सुधारक जिनका आंसर लगाए हैं, जो लोग लगाए हैं चीनी सुधारक, जो भाई लगाए हैं चीनी सुधारक उनका आंसर एकदम सही है। थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है, स्पीड बोलना पड़ रहा है क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा है, ठीक है, तो साउंड अगल बगल में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसलिए बोलना स्पीड पड़ रहा है। तो चलिए देखिए ध्यान से आइए क्या है, अनामी दल की स्थापना किसने की थी, अनामी दल की स्थापना किसने की थी, आइए पान बोईचाओ, हो ची मिन या जोन गुएन आई या इनमें से कोई नहीं, आप लोग चलिए मन में सोच लीजिए ठीक लगा लिए चलिए हम बोलते हैं क्या आंसर होना चाहिए इसका, क्या आंसर होना चाहिए, जोन गुएन आई ने, ठीक है, और जगह बुक में देखिए इसको ओन गुएन आई लिखा हुआ था ओ, तो दोनों आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जब भी आंसर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप जो ऑप्शन में होगा दोनों तो ना होगा ऐसा, या जोन गुएन आइन हो या ओन गुएन आइन हो, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला देखिए, हुआ हाओ आंदोलन के नेता कौन थे, हुआ हाओ आंदोलन के नेता कौन थे, चलिए क्या लगा आप लोग, फान बोईचाओ, हुइन फूसो, हो ची मिन या क्वांग, किसने क्या लगाया आप लोग सोच लिए, चिन्ह लगा लिए, सोच लिए, टिक लगा लिए, चलिए हम बताते हैं सर क्या होगा, क्या लगाया हम लोग बोले चलिए, हुइन फूसो, किस किस का सही हुआ भाई, लिख दीजिए कि मेरा माई 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 मेरा 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 लिख दो, कमेंट में लिख दो कि मेरा सही हुआ। चलिए अभी नाम बोलने वाले हैं किस किस बच्चों ने इससे पहले वाला जो वीडियो था समाजवाद एवं साम्यवाद में जवाब दिया है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और उसका मेरा एकदम सल्यूट होगा। चलिए आगे, जिनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया, जेनेवा समझौता में किस देश को दो भाग में बांटा गया, तो चलिए आइए ऑप्शन क्या है, वियतनाम, चीन, भारत, जापान, वियतनाम, चीन, भारत, जापान, आप लोग सोच लिए पक्का, मन में सोच लिए, कॉपी में टिक लगा लिए, चलिए क्या आंसर होना चाहिए इसका, वियतनाम, वियतनाम एकदम सही आंसर है, जिस भाई ने लगाया वियतनाम लगाया एकदम ओपी। चलिए आइए आगे देखिए क्या है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया, आइए ऑप्शन सुनिए, कैप्टन कांगली ने नरोत्तम सिहानुक ने, क्वांग ने या इनमें से कोई नहीं, आप लोग सोच लिए, टिक लगा लिए, एकदम टिक लगा लिए हुए हैं मन में सोच लिए हम बोले सर, चलिए तो नरोत्तम सिहानुक ने किस किस का सही है, चलिए कमेंट में लिखे दो। आइए, कंपोचिया का पुराना नाम क्या है, तो बहुत ईजी है भाई, कंपोचिया का कितना बार एग्जाम में आ भी चुका है, कंपोचिया का पुराना नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, क्या है सोच लिए आप लोग, सोच लिए, टिक कर लिए, कॉपी में टिक किए हुए ना, बेमानी नहीं ना, देखिए अपना सेंसर आना चाहिए, ठीक है, चलिए क्या होगा इसका आंसर, तो आप लोग बताएंगे, हाँ कंबोडिया ठीक नहीं लगाना है, कंबोडिया लगा है ना, चलिए आ गई, अगला क्या है, कहाँ है, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे, आगे आइए, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे, तो हो ची मिन, फान बोईचाओ या क्वांग या इनमें से कोई नहीं, देखिए हो ची मिन, फान बोईचाओ या क्वांग या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर में दो क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हमने पूछा था, एक क्वेश्चन यहाँ, दो क्वेश्चन हर लेक्चर में मिलता है, दो क्वेश्चन इसमें भी है। चलिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ए बी सी क्या है नहीं है। चलिए आगे, माइली गांव हत्याकांड के जिम्मेवार कौन देश था, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेवार कौन देश था, जापान फ्रांस अमेरिका भारत, दिमाग में सोच लिए, कॉपी में टिक लगा लिए, हम आंसर बोल दे, अमेरिका, क्या आंसर होना चाहिए, अमेरिका होना चाहिए। चलिए आप लोग लगाए हैं तो आ गया ये, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम या पूर्वी वियतनाम या इनमें से कोई नहीं, क्या लगा आप लोग मन में सोच लिए,
टिक लगा लिए एकदम, अगर कॉपी नहीं लेके उनको उन कॉपी अगर लेके बैठे हैं, टिक लगा चुके हैं उनके लिए बोलना है टिक लगा लिए, कॉपी नहीं लेकर बैठे हैं जो आसी बच्चे हैं उनके लिए बोलना है कि मन में सोच लिए, मतलब सोचबो तो कीजिए भाई कि आंसर ये होने वाला। तो आंसर क्या है, दक्षिणी वियतनाम। जिन भाइयों ने लगाया दक्षिण वियतनाम इनका एकदम सही है उनका, चलिए एकदम ओपी, चलिए दक्षिण वियतनाम आ जाइए। हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी या गुजरती है, ठीक है, हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी या गुजरती है, अभी हो नहीं सकता है, ठीक है आ गई। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सभी। तो आप लोग दिमाग में सोच लीजिए, टिक लगा लीजिए, हमें सर बोला जाए बोले सर क्या लाओस, नहीं गलत बात, क्या है सर ये सभी 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 मार्ग से, लाओस से, वियतनाम से, कंबोडिया से होकर गुजरती थी हो ची मिन का मार्ग रास्ता जो है सो। आइए, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया, ये क्या रूसी जापानी युद्ध को, वियतनामी युद्ध को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं, आप लोग सोच लिए, सोच लिए क्या आंसर, आप लोग सोच लिए बोले सर, तो वियतनामी युद्ध को कहा गया, पहला टेलीविजन युद्ध वियतनामी युद्ध को कहा गया, पहला टेलीविजन युद्ध वियतनामी युद्ध को कहा गया। चलिए आ गया, लगा है आप लोग ठीक, सोचे हुए थे यही, चलिए आ गई। अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, राम, विष्णु, शिव, कृष्ण, राम, विष्णु, शिव, कृष्ण, आप लोग सोच लिए, पक्का सोच लिए, एकदम ईमानदारी से टिक लगा लिए हुए हैं, तो चलिए किसका किसका आंसर विष्णु है उसका सही है, विष्णु किस किसने लगाया, भाई ने, किस किस भाई ने लगाया उनका एकदम सही है, ओपी आ गया ये। देखिए, वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की, वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी, आइए आ गया ये, हो ची मिन, फान वो चाओ, वांग, या इनमें से कोई नहीं, आप लोग क्या लगा लिए, सोच लिए मन में टिक लगा लिए, सोच लिए मन में टिक लगा लिए, आइए क्या आंसर होना चाहिए, क्या क्या बोले, क्या 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 क्या, फान वो चाओ एकदम गलत है, फान वो चाओ नहीं, हो ची मिन, हो ची मिन, सॉरी हो गया, वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी, हो ची मिन ने की थी, आ गया ये। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था, हो ची मिन, फान वो चाओ, या कुआंग, या इनमें से कोई नहीं, क्या लगाए आप लोग, क्या सोचे आप लोग, क्या लगाए, क्या सोचे हैं आप लोग, तो चलिए हो ची मिन एकदम सही आंसर, हो ची मिन, हो ची मिन जिस भाई ने सोचा, जिसने टिक लगाया एकदम ओपी, आ गया ये। बाओ दाई कहां का शासक था, बाओ दाई कहां का शासक था, पूर्वी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, या इनमें से कोई नहीं, आप लोग सोच लिए, सोच लिए, टिक लगा लिए, तो चलिए आंसर इसका होगा दक्षिणी वियतनाम, क्या होगा इसका आंसर, दक्षिणी वियतनाम। तो रुक जाइए एक मिनट, चलिए पहले इसके सोल्व ले लीजिए, ले लिए आप, चलिए रुक जाइए एक मिनट, रुक जाइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो क्लास टेंथ के अनुसार इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी बच्चों को इसका हेल्प मिलना चाहिए, मदद मिलना चाहिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और कोई विषय और चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, अभी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग एक बताना चाह रहे हैं कि अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास टेंथ के प्रत्येक विषय का, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगा है, अभी तक ये चार चार पाँच पाँच चैप्टर का बन चुका है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, और नहीं तो कुछ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिलेगा गणित ऑब्जेक्टिव, भूगोल ऑब्जेक्टिव, इतिहास ऑब्जेक्टिव, रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, भौतिकी ऑब्जेक्टिव, ना हिंदी ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव, सभी के तीन तीन चार चार चैप्टर, पाँच पाँच चैप्टर हो चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है, एक चैप्टर से कम 40 से 50 क्वेश्चन है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और आगे स्कोर कर सकते हैं मार्क्स बोर्ड में, ठीक है। और शेयर करके आप लोग अपने दोस्तों का भी मदद करें, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, एकदम आज एकदम मुस्कुराते हुए इस लेक्चर को हम क्या कर रहे हैं, आप लोग भी मुस्कुराते रहिए, हम भी मुस्कुराते रहते हैं और लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो आप लोग गुस्सा गए होंगे कि भाई सर बोले थे कि नाम बताएंगे लेकिन नहीं बताएं, इससे पिछले वाले वीडियो के जो जवाब दिया था, वीडियो में जो क्वेश्चन हमने पूछा था, दो क्वेश्चन, ठीक है, समाजवाद एवं साम्यवाद ने, जो बच्चों ने जवाब दिया उसका नाम हमने नहीं लिया था, इसलिए आप लोग गुस्सा हो गए थे। तो गुस्साइए मत, तो देखिए एकदम ध्यान से, यही है फर्स्ट में सबसे पहले पूजा कुमारी कमेंट की, उसके बाद अनिकेत कुमार, उसके बाद रिधि कुमारी, उसके बाद ज्योति कुमारी, उसके बाद सबाना खातून, उसके बाद पूनम कुमारी, उसके बाद सुमन कुमार,
इन्होंने कमेंट किया और सभी का जवाब शायद सही है, किसी एक का जो है 27 नंबर क्वेश्चन का गलत जवाब था। ठीक है, तो हम कमेंट में नहीं बताएंगे, आप लोग ही पढ़िए, चाहिए कमेंट देखिए, तो इस लोगों को हमारा एकदम सलाम। ठीक है, तो आप लोग भी क्या कीजिए, इस वीडियो में जिस जो हम क्वेश्चन दिए हैं दो क्वेश्चन इस लेक्चर में, उसको क्या करना है, आप लोगों को जवाब देना है और कमेंट करना है। ठीक है, तो क्या कीजिए, फिर से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।